मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री इमरती देवी का नाम तो आपको याद ही होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और फिर एक बार उनका नाम विवादों से जुड़ा है। चुनाव हारने और मंत्री पद जाने के बाद भी इन्होंने अपनी सरकारी बंगला खाली नहीं किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने जमकर सवाल उठाए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी अपना बंगला खाली नहीं कर रही हैं, दूसरी तरफ कोई भी अधिकारी उनसे बंगला खाली करवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वहीं ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण को अब तक बंगला नहीं मिल पाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सोलंकी का कहना है कि इमरती देवी का नया घर डबरा में बन रहा है, जल्द ही इमरती बंगला खाली कर देंगी। वहीं कुछ समय पहले एक अधिकारी ने इमरती देवी को बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया था, तो कुछ समय बाद ही उस अधिकारी का तबादला भी हो गया, जिसके बाद से कोई अधिकारी उनसे बंगला खाली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।